धनबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोर्ट परिसर में किया गया। बीसीसीएल के द्वारा 29 लोगों को ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिनके अभिभावकों की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी। उन्हें अनुकंपा पर नौकरी दी गई। साथ ही कोरोना के कारण मरने वाले 9 बीसीसीएल कर्मियों को आश्रितों को ऑन स्पॉट 15 लाख का मुआवजा दिया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, एसएसपी संजीव कुमार और बार अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने संयुक्त रूप से किया। बोकारो में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बोकारो सिविल कोर्ट परिसर एवं तेनुघाट कोर्ट परिसर में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने के साथ साथ लगभग 2000 से अधिक वादों का निपटारा किया जाएगा। आरा के पीरो थाना क्षेत्र का जमुनीपुर गांव में शुक्रवार की मध्यरात्रि हथियारबंद अपराधियों ने मड़ई में सो रहे बुजुर्ग पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल पुजारी ने इलाज के लिए पीरो अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गोली मृतक के बाएं साइड सीने में मारी गई थी। सूचना मिलते ही हसन बाजार ओपी इंचार्ज घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के अलावा अस्पताल में लंबे समय से भर्ती कैंसर के पीड़ित मधेपुरा भाजपा जिलाध्यक्ष स्वदेश कुमार के पिता से मुलाकात की। सांसद ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल अस्पताल में फिलहाल चिकित्सकों की कमी है, उसे भी समय रहते पूरा किया जाएगा। अस्पताल में जो भी कमी है तत्काल उस पर बिहार सरकार खुद ध्यान दे रही है और जल्द ही जल्द सभी खामियों को पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रोहतास पहुंचे आरसीपी सिंह का हाथी घोड़ा और बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह तोरण द्वार बनाकर स्वागत की पूरी तैयारियां की थी। मंच पे जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा माला पहनाया गया, जिसमें जिला मुख्यालय में भी केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत कुमकुम बस्ती में 4 दिनों से लापता नबालिग का शव बरामद किया गया है। 11 वर्षीय सुजीत कुमार गोराई की गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय थाना में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई और 4 दिन बाद बालक का शव बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ के समीप बरामद किया गया है। बोकारो के चास में पुलिस ने चोरी और लूट के अलग अलग 2 मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई बाइक के आरोपी के घर से बरामद किया गया, साथ ही लूटी गई मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी राम प्रवेश सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को विनय चौधरी अपनी बाइक खड़ा कर मिठाई दुकान में चले गए, तभी चोरों ने उनकी बाइक चुरा ली और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों चोरों की पहचान की है। उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की गई है। बक्सर जिले में पंचायत चुनाव का आगाज राजपुर प्रखंड से शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी लोगों के साथ संपर्क साध रहे, साथ ही उनसे वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। प्रत्याशी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं।